नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने बिजली का जो बिल है मान लीजिए हमारा कोई भी बिजली का बिल था और उस बिल को हमने जमा कराया लेकिन उस बिल की रसीद हमारे पास नहीं है रसीद गुम हो चुकी है या हम अपने बिजली बिल का करीब सात महीने पहले का या सात महीने तक का अगर बिल चेक करना चाहते हैं कि हमने कितना बिल जमा किया है और कितना हमारा बाकी बिल था तो यहाँ पर आप अपने पुराना जो बिल है उसकी रसीद आप सात महीने तक के निकाल सकते हैं तो कैसे निकालना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चलो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने पर, से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक ज़रूर कर दें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपको अपने कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर का एक ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में आपको लिखना है यू पी पी सी एल डॉट ओ आर जी सर्च कर लेना है आप जैसे सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा आप दोस्तों आपके सामने बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे अब आप आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको मिलेगा पंचीकरण उपयोगकर्ता और उसके बाद मिलेगा नया उपयोगकर्ता अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको आकर लॉगिन पर क्लिक करना है तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा शहरी एंड ग्रामीण तो आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आप दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर आपका लॉगिन करना होता है तो यहाँ पर आपको देखिए आपका अकाउंट नंबर पासवर्ड यहाँ पर बोला जाता है आपका डालने के लिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड डालना है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है इस बॉक्स में अगर दोस्तों आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या आईडी पासवर्ड नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर आना है सबसे पहले रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्काउंटमेंट चुनना है यानी कहाँ का आपका बिजली बिल कनेक्शन है उसे सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है उसके बाद बिल नंबर जो होता है आपको स्लिप में बिल नंबर मिल जाता है तो दोस्तों अगर आपको बिल नंबर नहीं मिलता है तो चलिए हम उदाहरण के अनुसार आपको दिखा देते हैं कि आपको बिल नंबर कहाँ से मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा क्लिक हेयर आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से जो बिल निकाला जाता है तो बिल की जो रिसीविंग होती है इस प्रकार से होती है तो वहीं पर आपको बिल नंबर देखने को मिल जाता है और अकाउंट नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है उसी अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पर डालना है बिल नंबर यहाँ पर डालना है उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है तो चलिए हम यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर और बिल नंबर डालकर कांटे बटन पर क्लिक कर देते हैं अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी जो तो डिटेल है यहाँ पर आ जाती है क्योंकि हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर ईमेल डालनी होती है उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पर आ उस पासवर्ड को डबल दोबारा पासवर्ड डालना है उसके बाद हिंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है तो बहुत से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं आपको किसी एक को चूज़ कर लेना है जो भी आप चूज़ करना चाहें अपना हिंट पासवर्ड जो बनाना चाहें तो चलिए हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं और, और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो चलिए हम यहाँ पर ई मेल और अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट करने के बाद दोस्तों हिंड क्वेश्चन जो मैंने बताया उसे चूज करने के बाद आपको यहाँ पर एक हिंट क्वेश्चन डालना होता है जो भी आप डालना चाहें उसके बाद आपको सबमिट कर देना है जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा अब आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से आना है फिर से आपको लॉग करना होता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है जो पासवर्ड बनाया है उसे डालना है उसके बाद कैप्चा को यहाँ पर आपको फिलअप करना है तो हम चलिए यहाँ पर अकाउंट नंबर और जो आप हम, हमने जो पासवर्ड बनाया है उसे हम यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है अपना अकाउंट बनाएंगे आपका अकाउंट नहीं है अगर अकाउंट है तो आपको सिंपल यहाँ पर लॉगिन करना है तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं हमने अपना आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लिया है दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो बिल है वो कुछ समरी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है जो भी हमारा बिल है उसके बाद दोस्तों अगर पे करना चाहते हैं तो नीचे आपको पे बटन का जो ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पर हम पे कर सकते हैं तो चलिए हम ऊपर की तरफ आपको ले आते हैं ऊपर की तरफ हम आपको दिखाएँगे कि आप और भी अपना जो बिल है वो कहाँ से और कैसे चेक करेंगे तो चलिए ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर माय अकाउंट है और यहाँ पर देखिए और भी बहुत से ऑप्शन हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए आपको आ, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखिए यहाँ पर आ, नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ सबसे लास्ट में आपको मिल जाता है व्यू बिल तो दोस्तों आपको सिंपल व्यू बिल पर आपको क्लिक करना है तो चलिए हम यहाँ पर व्यू बिल पर क्लिक कर देते हैं अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बिल है जितने भी महीने का आपका बिल है और आपने अपने जो जितने भी महीने का आपने बिल जमा कराया है उसकी सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको अपना जो बिल नंबर है देखने को मिलेगा उसके बाद बिल डेट देखने को मिल जाएगी उसके बाद बिल का जो अमाउंट है वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद ड्यू डेट जो है वो आपको देखने को मिलेगी उसके बाद पेमेंट अमाउंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो हज़ार तेईस सातवें महीने से 2023 से जो भी हमारा बिल है वो सबकी समरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है उसके बाद दोस्तों अगर हम हाँ अपना बिल देखना चाहते हैं मान लीजिए हम सबसे नीचे का बिल यहाँ पर देखना चाहते हैं सातवें महीने दो हज़ार का तो आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल का एक आइकन होगा तो आपको यहाँ पी फाइल के जो आइकन है इस पर आपको क्लिक करना होगा तो हमारा जो पिछले महीने का जो बिल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर जो भी अमाउंट डेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो हम यहाँ पर पी पर क्लिक करते हैं तो हम हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी हमने बिल जमा कराया है उसकी रिसीविंग हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है यानी दोस्तों हम अगर, अगर अपने बिल बिजली का जो बिल है उसके सात महीने का अगर हम बिल निकालना चाहें उसकी पीडीएफ हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कितना हमने बिल जमा किया था कितना हमारा बिल बाकी था तो सारी समरी आप यहाँ से इस प्रकार से देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार